स्टेज पर जो जानी है मैं कुछ होर ही एक ओरा बन जाता मेरा मैं हाँ वो मैनू अलग एनर्जी होंगी है उत्थे सो बस मैनू यह लगता है कि मैं सिंगिंग लिए ही बनी सी और जो तक सह रहे हमेशा मैं करती रहूँगी करना चाहती सी और मैनू किसी ने मना नहीं किया मैनू किसी ने इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं तू नहीं करना ये मेरी चॉइस सी कि मैं नहीं करना वो ब्रेक लेना मेरी चॉइस सी और मैं एक परसेंट भी रिग्रेट नहीं है 9 साल बाद हुण मैं जो सोचा कि मैं हुण काम करना है ना तो पिंड दे गेड़े दोबारा वायरल हो जाता है ये वो रब की रजा है इन यूनिवर्स ना थानू सब कुछ सुन रहा वो थोड़ी वाइब्रेशंस लेंदा मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ करवाउंदा है अड़के कहिंदा कुड़ती तेरी दे मैनू हाँ लटकण पट गए दूजा लटदा कोबरा गिरदा नहीं मेरे पिंड दे गेड़े मारदा जिन्हें थोड़ी मुलाकात करवा जा रही है बहुत घट प्रेमियर से इन्होंने वेखते हैं रुपिंदर हांडा जी मैंने इतने मौजूद है रुपिंदर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच थैंक यू सो जिमें मैं किया और तुम सारे ही कह रहे कि बहुत घट प्रेमियर से तुम आते हो है ना सुख संघेड़ा होना करके अरमान बैदल होना करके मैं मैंने लगता है कि तीजी बार होना है एक पहला मूवी से वो प्रीमियर से गई थी सुख होना की दूसरी मूवी हैगी सुख होना उस टीम के नाल मेरा वैसे ही बहुत प्यार है सो ऑलवेज उन्होंने लिए पहुँचती हाँ मैं जरा ये कॉन्सैप्ट है उन्हों का ये प्रोजेक्ट है इस बारे की कहना चाहोगे गोरे ना लगती जमीन जड़ती बहुत सारे सुने हैं ये बहुत बहुत वधिया एक मैसेज हैगा कॉन्सैप्ट बहुत डिफरेंट हैगा मैं लगता है कि लव स्टोरी तो चलो एक एंगल रहिंदा ही रहिंदा उस तो अलावा बड़िया सोहनिया चीज़ों नू बड़े सोहने तरीके नाल दिखाया गया बड़ी किसानी का हो गया फार्मिंग तो मैं लगता है फिल्म आई नहीं गई बाहर दी फार्मिंग तो कोई नहीं आई अज तो तकरीबन 30-35 साल 40 साल पहला यू नो फार्मिंग तो बनदी होंदिया सीगिया मूवीज़ पर इस हुण इस एरा दे विच नहीं आई सी कोई मूवी ये बहुत वधिया चीज़ हैगी है साढ़े यूथ नूं मोटीवेट करना कि साडा किता जिहड़ा हैगा एक्चुअल साडी जिहड़ी रूट्स ने उहनां दे बारे दस्या गया और बहुत सोहणे तरीके नाल अक्सर बार अपने शोज लिए जाते रहते हो और उतों के ओबियसली जो यंगस्टर्स है थानू मिलते भी होंगे है ना उन्होंने की साइकी है की मैंटैलिटी रखते हैं बार काम नू लै जो इस मूवी दिखाया गया आई थिंक बिल्कुल सही तरीके नाल दिखाया गया मैनू लगता है कि वो इतों जो जाते हैं तो फार्मिंग वाला तो जोड़ा एक हैगा ना एंगल वो बिचों निकल ही जाता है सोच दे मैनू लगता कि यह मूवी देखने तो बाद मैं सारियां कहूँगी जरूर मूवी देख आन ये मूवी देखने तो बाद थोड़ा भी माइंडसैट चेंज होगा जरूर मैं लगता कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट उत्थे हो रही है तो ये बड़ा वधिया एक बड़े मौके पर यह मूवी आई है और साढ़े यूथ नू मोटीवेट भी करूगी डेफिनेटली ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਐਂਡ ਬਸ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਫੈਮਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਰੀਅਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਲਜੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਟੋਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਟ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ ਓਨਲੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਉਂਗੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ
मेरा माइंडसैट सीगा कि आई नीड अ ब्रेक, मैं खुद नहीं करना चाहती सीगी और मैनू किसी ने मना नहीं किया, मैनू किसी ने इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं तू नहीं करना, ये मेरी चॉइस सीगी कि मैं नहीं करना, वो ब्रेक लेना मेरी चॉइस सीगी और मैनू एक परसेंट भी उसका रिग्रेट नहीं है क्योंकि जो मैं वापसी की है ना और गाने कर रही हाँ मैनू लगता है कि ना परमात्मा दे बड़े नेड़े है, वो बड़ी नेड़े होकर सुनता है ना, मैं वो बड़े नेड़े हाँ, मैं प्यारा, मैनू ऐ लगता कि मैं वो प्यारा बच्चा, मैनू ये लगता कि उन्हें मैनू कदे ढैन नहीं दिता, मेरी कदे पिठ नहीं लगन दिती और कदे सिर नहीं नीवा होन दिता। सो ये मैनू लगता कि ब्लैसड हाँ मैं 9 साल बाद हुण मैं जो सोचा कि मैं हुण काम करना है ना, तो पिंड दे गेड़े दोबारा वायरल हो जाता है, ये रब की रजा है, इन यूनीवर्स ना थानू सब कुछ सुन रहा, वो थोड़ी वाइब्रेशनस लेंदा, उन्हें पता है कि थानू कदों की चाहिए, सो थानू सर्व करता है वो। तुसी माइंड नहीं करो कि जे मैं थानू कहूंगी 2 लाइन प्लीज पिंड दे गेड़े मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के, पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ करवाउंदे अड़के, कहिंदा कुड़ती तेरी दे मैनू हाँ लटकण पट गए, दूजा लट दा कोबरा गिरदा नहीं मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਟਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਝੜਕਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਐਲਬਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਫੁੱਲ ਐਲਬਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਣੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।